पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? अब आपका पूरा नाम बोलिए। जी सर, मेरा नाम हारून अंसारी वल्द यूसुफ अंसारी है। अच्छा, ये अभी नौखंडा जो पहले इसका जो प्रकरण हुआ था, तो उसका रीज़न क्या है, ओरिजिनल रीज़न क्या है? ये रीज़न जानने के लिए आपको सबसे पहले तो 2 महीना बैक में जाना पड़ेगा, कुछ पर्दे उठाना पड़ेंगे कि जैसे आप देखते हैं कि एक महिला फरियादी जो नौखंडा में जो है, तो वहाँ पर सालों से, हम मानते हैं कि वो वहाँ पर सालों से रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको इस्तेमाल किया गया, उनको सामने लाया गया, उन कुछ ऐसी बातें की गई जो औरत जात को करना हमें तो ठीक नहीं लगता। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि 40-50 लोगों ने आकर हम पर हमला किया, राड से, बैट से, लकड़ियों से हमें मारा। अब उन लोगों ने जिन पर इल्ज़ाम लगाए हैं उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है। कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने मुझे जामीन किस बिना पर दी, कोर्ट ने मुझे जामीन इस बिना पर दी कि जज ने इनके वकील से पूछा कि भाई 40-50 लोगों ने आपको घुस कर मारा, आपके ऊपर वार किया, तो आपके जिस्म पर एक भी जख्म का निशान क्यों नहीं है? ये जज का सवाल था, मेरा नहीं है। इस बिना पर जो है तो मुझको बेल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम पे 40-50 लोगों ने घुसकर वार किया, तो क्या इनकी मेडिकल रिपोर्ट प्रूफ हुई? नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रूफ नहीं हुई। इन्होंने कोई जो है तो MLC की रिपोर्ट वहाँ पर पेश नहीं की, दवाखाने की एक चिट्ठी इन्होंने ला कर दी है जिसमें साफ लिखा गया है कि इनको कोई भी जो है तो सीरियस जख्म नहीं है, ना कोई टाका है, ना कोई खराश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बिना पर कोर्ट ने 4 लोगों को ऑन द स्पॉट जो है तो बेल दी। FIR कैसा हुआ फिर, जबकि मेडिकल रिपोर्ट ही प्रूफ नहीं हुई, तो FIR कैसा हुआ? तो मेरा सवाल तो यही है ना कि देखिए, सबसे बड़ा कैसा, अभी जो मैं बोला कि आपको 2 महीना पीछे बैक में जाना पड़ेगा, ये केस होता है शाम में 8 बजे, ठीक है। अब वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं, कॉलेज के भी है, नौखंडा पैलेस के भी है, और ये लोग सुबह 11 बजे जाके वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों का नाम जो है तो दर्ज कराते हैं, सिर्फ 3 लोगों का, एक शेख जमीर पटेल, एक उनके बच्चे शेख हमजा, और तीसरा जो है तो शेख समीर, ये 3 नाम लिखाए जाते हैं। 1 बजे जो है तो दिलशाद जय इस केस में जो है तो इन्वॉल्व होता है, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन जाता है, और ठीक दोपहर में 3 बजे ये जो 3 नाम थे ये 3 या 9 हो गए। आप समझिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये एक खुली साजिश थी, इसमें दिलशाद जहाँ ने षड्यंत्र रचा, और उसके बाद भी FIR होने के बाद भी जो नौखंडा के जो गरीब लोग हैं, इन्होंने 8 दिन तक तरह तरह के अलग अलग जो है तो वीडियो वायरल करते रहे, न्यूज़ देते रहे। अब मसला ये है कि रिमोट किसी और के हाथ में था साहब, रिमोट जो है तो गारखेड़े से और हड़को कॉर्नर से रिमोट के बटन दबाए जा रहे थे और नौखंडा में फंक्शन दिखाए जा रहे थे, हकीकत ये है। तो अभी आपका बोलना क्या है, आज जो प्रेस लिया आपने, इसका मतलब आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि देखिए, आप भी मीडिया वाले हैं, 2 दिन पहले जो है तो हिमायत बाग में जो निज़ाम की प्रॉपर्टी है उसमें एक बहुत बड़ा जो है तो हादसा पेश आया, ये आज पूरे शहर को, पूरी दुनिया को पता है। वहाँ पर हुआ ये कि एक इल्लीगल प्रिंस जिसके पास कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं, वो जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है उनके पास कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं, ये अपने आप को जिसका पोता बता रहा है, उस दादा ने आज से 60 साल पहले लिख के दे दिया कि ये मेरी औलाद नहीं, ये मेरी शौक की औलादों में से एक है, उसके बाद भी वो अपने आप को प्रिंस बताकर इस FIR होने के बाद, जमीर पटेल एंड ग्रुप जो है तो FIR होने के बाद अपनी जमीन के लिए शहर से हट जाते हैं, ये इल्लीगल तौर पर आकर नौखंडा पैलेस का ताला तोड़ता है, वहां पर बोर्ड पूरे चेंज करके वो हो जाता है, आरिफ कॉलोनी की साइड पर जाके ये इल्लीगल पोजेशन लेता है, वहां के हजारों झाड़ों को निस्त तो नाबूद किया इसने, एक 20-25 लाख रुपया तकरीबन लगे होंगे वो शेड मारने के लिए, वो शेड मार के इसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी वो अंदर उनको अंजाम दे रहा था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आज के पेपर में दिया हुआ है, ये आज के पेपर में दिया हुआ है, ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये पेपर की न्यूज़ है। ये सच्चाई साबित करती है कि उस वक्त जो इस तरह खेल खेला गया था, आज मैं थैंक्स बोलता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, मैं थैंक्स बोलता हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र के उनको, मैं थैंक्स बोलता हूँ CP साहब को, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आस्तिक कुमार पांडे साहब का, मैं थैंक्स बोलता हूँ कलेक्टर सुनील चौहान का, जिन्होंने इस कार्रवाई को गुप्त रखते हुए संयुक्त कार्रवाई की, मिलजुल कर कार्रवाई की और गुनाहगार को उसके अंजाम तक पहुँचाया, रिजल्ट आज आपके सामने है। प्लस जब ये केस हुआ, आपने देखे होंगे महीने भर तक वो चिल्ला जाए, मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूँ, अगर आप प्रिंस है
तो हिंदुस्तान में मेरी नज़र में तो ऐसा देखने यह दूसरा केस था जिसमें एक बहुत बड़े बाबा जो है तो पुलिस के डर से भागते हुए दिखाई दिए थे, उसके बाद मुझे ये दूसरा प्रिंस जो है तो ये दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे के रास्ते से किस तरह से जो है तो प्रिंस भागता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं हूँ। अभी जैसा ये पेपर में आपने बताया कि पेपर में सारी सच्चाई सामने आ गई जिस तरीके से आपने थैंक्स किया प्रशासन का, ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर मतलब कितने लोगों के नाम एफआईआर में आए सर? अभी पेपर न्यूज़ जो बता रही है उस तो उसमें पेपर न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि दिलशाद जा एंड अदर्स। अच्छा। अब वो अदर्स कौन है आई डोंट नो, मुझको नहीं पता, ये काम पुलिस का है। अब पुलिस को अगर सच्चाई मालूम करना है तो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो DVR आस्तिक कुमार पांडे साहब ने जब्त किया है वो DVR CP साहब अपने पास मंगाए, उसमें जो है तो CCTV फोटेज वो चेक करें। उसके अलावा दिलशाद जा जो है तो हड़को कॉर्नर पे जो फ्लैट में रुका हुआ है वहाँ पर भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं CP साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जाके वहाँ के भी फोटेज देखे तो उनको समझ में आएगा कि इस बंदे की कनेक्ट कौन था, इससे कौन कौन कनेक्ट था, कौन कौन इससे जुड़ता था, वो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि इन पे FIR हुआ बता रहे, तो FIR किस बिना पे वन पे? FIR इस बिना पर हुआ कि जैसा अभी मैंने बोला कि वो दुनिया से वो शेड उठा के दुनिया से उस साइट को ओझल करके वहाँ पर अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज अंजाम देता था, तो वहाँ पर जो है तो जो मैंने पेपर न्यूज़ पढ़ी वहाँ पर जो है तो कुछ आर्म्स जो है तो बरामद हुए, कुछ तलवारें मिली, धारदार जानलेवा हथियार वहाँ पर बरामद हुए, जिसके बिना पर दिलशाद जा के ऊपर जो है तो FIR किया गया और ये नॉन बेनेबल ऑफेंस है, इसके अंदर जो है तो 5 साल की सज़ा है। तो अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि जैसा अभी मैंने कहा कि CP साहब ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, आस्तिक कुमार पांडे साहब ने, कलेक्टर साहब ने जो है तो इनके ऊपर मिलजुल कर जो संयुक्त कार्रवाई की, तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो सुपीरियर्स हैं, ऐसे लोगों को आज औरंगाबाद को जो है तो आपकी ज़रूरत है सर, ऐसे लोग हमें चाहिए जो सच्चाई का आलम लेकर निकले और झूठ को जो तो हराए। आज ये साबित हो गया कि 2 महीना पहले जो षड्यंत्र रचा गया था आज उसकी हकीकत मेरे भी सामने है, आपके भी सामने है, मीडिया के भी सामने है और दुनिया के भी सामने। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? मेरी पुलिस प्रशासन से सिर्फ जो है सिर्फ न्याय की मांग है। जैसा कि अभी आप जानते हैं मैंने पूरा खुल के बता दिया, सारी दुनिया को इल्म है कि नौखंडा में जो हुआ तो वो कितना बड़ा षड्यंत्र था, एक प्री प्लानिंग थी। तो मैं CP साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये विनंती करता हूँ कि वो इस FIR की जो 2 महीना पहले जमीर पटेल एंड ग्रुप के ऊपर जो FIR किया गया था उसकी जो है तो बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसमें जो खाती लोग हैं वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों या फरियादी हों या ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ले देकर या किसी के प्रेशर में आकर हमारे ऊपर FIR दर्ज किया गया था, उस FIR की उच्च स्तरीय जांच कराए, वहाँ के CCTV कैमरे देखे, जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे उनके भी नाम जो है तो इसमें शामिल किए गए। सबसे बड़ा प्रूफ है खालिद सिद्दीकी जो 4 महीने से हॉस्पिटल में बेड रेस्ट के ऊपर है, 2 बड़े जानलेवा ऑपरेशन हुए। मैं मेरी बात करता हूँ, अगर मैं वहाँ पर था तो मुझे सबूत दीजिए कि मैं वहाँ पर था। मैं रात में 10 बजे सीधा घाटी हॉस्पिटल पहुँचा जब मुझको मालूम पड़ा कि पटेल साहब का बच्चा जो है तो जख्मी हो गया, मैं उसे देखने के लिए घाटी हॉस्पिटल पहुँचा, 3 बजे वहाँ पे FIR में मेरा भी नाम होता है। तो ये इस बात का सबूत है कि FIR के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, जांच पड़ताल नहीं की गई, या प्रेशर के तौर पर या ले देकर जो भी है तो ये FIR को जो है तो दर्ज किया गया। इसलिए मैं CP साहब से विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पूरी तरह से बड़े पैमाने पर इस FIR की जांच करें और अगर हम मुजरिम पाए जाते हैं तो बिल्कुल हम सज़ा के लिए हाजिर हैं, और अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि इस FIR को स्क्वॉश किया जाए, रद्द किया जाए।